के संग उसके मर गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। इस वक्त में आवाज लगा थी, हे कहाँ वाले अकेला रे दूरा माँ, आज मैं मित्र के घर से वापस चला आया।
तुम अपने मित्र के घर से वापस चला आया, चला आया माँ, लेकिन पुत्र माँ मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख रही हूँ। हरी माँ मैं आपसे कोई बात पूछने के लिए चाहता हूँ, क्या आप बता सकते? आज माँ बचपन से लेकर के आज इतना बड़ा हो गया इस जंगल में, आज दिन तक मैं आपसे कोई बात नहीं पूछा। ठीक है माँ, मैं आपसे कोई बात पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या पूछने चाहते हो पुत्र? पूछो। क्या माँ आप बतलाए गए ना? क्या माँ आप बतला सकते हैं क्या इस संसार सागर में मेरा पिताजी जीवित नहीं है माँ? क्या माँ आप एक रंडी और बेसिया है? क्या माँ मैं एक किसी का नजायज औलाद हूँ माँ? पुत्र ऐसा नहीं कहते रे, इस सब बातें तुमसे कौन कह रही? अरे माँ जब मैं आज मित्र का घर गया, मित्र के पिता बहुत मौन आदर किया और मित्र की माँ ने तुम्हें गंदी गंदी गाली दिया और हमें नाजायज औलाद का, तुम्हें एक रंडी और बेसिया का माँ। पुत्र क्या माँ तुम हमें जन्म नहीं दिए हो माँ? ऐसा नहीं कहते रे, हे बिचारा लड़े हे बतिया दुरू जाने के लिए चाहती हूँ तो मैं आपको सारी बातें आज मैं क्या क्या सुनाती हूँ पुत्र। सुना तुम जिससे मित्र लगाई हो आया वो तुम्हारा मित्र नहीं है रे। तू कौन है माँ? वो तुम्हारा बल्कि छोटा भाई है पुत्र। क्या? और जिससे साथ मैंने दोस्ती किया हूँ वे कौन है वहाँ? वो तुम्हारा बारा भाई है पुत्र। क्या? मेरा छोटा भाई? माँ मैं सारे बात सुन लिया माँ। ठीक है, अरे तुम आज सारी बातें सुन चुकी हो। हाँ माँ। घर की बात है पुत्र, इस बात मैं तुम्हारे संग जाने के लिए तैयार हूँ उत्तमपुर शहर। ठीक है माँ। ए तेरी नारे ला आ गई मारे बापू la 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 la
हेलो, बहुत समय हो गया, हमारे कैमरामैन घुसा रहे भीतर भीतर। आइए अब 5 मिनट और बाकी बचाए, आप लोगों को क्या बताएं। महल में मेरी महारानी बता रही थी कि जब से उत्तम कुमार मेरा बेटा जंगल में दोस्ती किया है, वो बार बार अपने महल को छोड़ के दोस्त से मिलने के लिए जंगल चला जाता है। अब देखिए कल का दिन गया है, अभी तक नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं, आज हम फिर सिंह दरबार में बैठ के पुत्र का इंतजार करते हैं, देखते हैं मेरा बेटा जंगल से आ रहा है या नहीं आ रहा है।